ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक हाई स्कोरिंग मुकाबला खेला गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 62 रनों से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही कंगारुओं ने 2 अंक भी हासिल कर लिए हैं और अपने रन रेट में भी सुधार किया है। ऑस्ट्रेलिया की ये लगातार दूसरी जीत है, तो वहीं पाकिस्तान की ये लगातार टूर्नामेंट में दूसरी हार है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में किसका फायदा हुआ और किसको नुकसान मिला। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 62 रनों से मिली हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पॉइंट्स टेबल में बड़ा झटका लगा है। बाबर एंड कंपनी टॉप 4 से बाहर हो गई है। टीम ने अब तक 2 मैच जीते हैं, लेकिन रन रेट -0.456 है। टीम ने लगातार दूसरी हार का सामना किया है। ऑस्ट्रेलिया से पहले पाकिस्तान को चिर प्रतिद्वंदी भारत के हाथों हार मिली थी। यदि पाक ऐसे ही प्रदर्शन करता रहा तो उसके लिए वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। शुरुआत भले ही अच्छी ना रही हो, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियाई टीम लय में लौट चुकी है। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ने शुक्रवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान को 62 रनों से हराकर पॉइंट्स टेबल में एक लंबी छलांग लगाई। जी हाँ, कहाँ यह टीम पिछले दिनों बॉटम में थी, लेकिन अब उसने टॉप 4 में वापसी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 जीते हैं। टीम के 4 अंक हैं और रन रेट -0.193 के आसपास है। टीम फिलहाल चौथे स्थान पर है। टीम इंडिया की बात करें, टीम इंडिया अभी 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए उन्हें 7 जीत जरूरी हैं। टीम इंडिया के अगले मुकाबले न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका व नीदरलैंड से होंगे। इनमें से श्रीलंका और नीदरलैंड के खिलाफ उन्हें जीत मिलने की पूरी संभावना है। इससे उनके नाम पर 6 जीत हो जाएंगी। ऐसे में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में से किसी एक टीम को हराकर भी टीम इंडिया सेमीफाइनल की प्रबल दावेदार हो जाएगी। टीम इंडिया के लिए लखनऊ के मैदान पर इंग्लैंड भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहां का मैदान स्पिनर्स के लिए मददगार रहा है। अगर टीम इंडिया के बचे हुए मुकाबलों की बात करें तो 22 अक्टूबर को टीम का सामना न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में होगा। 29 अक्टूबर को टीम इंग्लैंड से भिड़ेगी और यह मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। 2 नवंबर को टीम का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका से होगा। इसके बाद टीम इंडिया 5 नवंबर को कोलकाता के मैदान पर साउथ अफ्रीका का सामना करेगी। 12 नवंबर को टीम इंडिया बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो टीम 4 में से 2 मैच गंवा चुकी है। उनका अगला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई के मैदान पर खेला जाएगा। चेन्नई में अफगानी स्पिनर्स का सामना पाकिस्तानी बल्लेबाज कैसा करेंगे, ये तो तभी पता चलेगा। इसके बाद उन्हें साउथ अफ्रीका से टक्कर लेनी होगी। इसके बाद बाबर सेना 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। बांग्लादेश के खिलाफ पाक जीत भी गया तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी मुकाबले बड़े चुनौती वाले होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद पाकिस्तान के पास अगले 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीतने के चांस हैं, लेकिन अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को आगामी 5 मुकाबले जीतने होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत पहले ही रन रेट के मामले में उनसे काफी बेहतर चल रहे हैं।